हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी एक्सपोनेंट एंड पावर की वीडियो को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। और आज के वीडियो का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जिस टाइप के आपके जो होते हैं जूनियर सेक्शन में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में, वो मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो जरूर थोड़ी लेंथी होगी, पर आपका जो रिमेनिंग एक्सरसाइज का पार्ट है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग वो पूरे का पूरा जो टॉपिक है आपका कवर कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंड द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट, हमें कुछ इस टाइप से दे दिया जाएगा। मैंने तीन इसके पार्ट बना रखे हैं, तीनों पार्ट है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इन्हें किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है हमें क्या है, स्क्वायर रूट 27। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट इस पार्ट की मैं बात करता हूं, क्या है स्क्वायर रूट 27। तो स्टूडेंट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 का क्यूब। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 3 का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के आगे, ये इसे रेडिकल फॉर्म भी बोल देते हैं इसके, तो अगर यहां पर कुछ नहीं होगा तो आपको पता है यहां पर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि आप प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहां से अगर ये चेंज होता है तो ये जब जाएगा तो भैया 1/2 की फॉर्म में से नोट कर दिया जाता है, यानी इसको क्या करोगे आप, क्या नोट कर दोगे, 1/2। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 3 बन जा 3/2। तो स्टूडेंट इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब देखिए एक्सपोनेंट मींस क्या है, पावर यानी घातांक। तो ये देखो पावर बन गई, इसके ऊपर घातांक यानी 3 की घात। 3 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 3/2। बेस क्या हो गया हमारा, 3 क्या है हमारा, बेस। और ये क्या हो गया आपका, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही बताना था, हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4 रेडिकल या स्क्वायर रूट 256। तो स्टूडेंट अब क्या करना है हमें, 256 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 256 को क्या हम नोट कर सकते हैं, रफली मैं आपको बता देता हूं, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64 64 4 256। तो स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं, 256 को 4 की पावर 4, यानी बेस भी 4 हो गया और जो इसकी एक्सपोनेंट या पावर है वो भी क्या हो जाएगी, 4 = 256। तो 256 की जगह हम क्या नोट कर सकते हैं, 4 की पावर 4। तो स्टूडेंट इसे नोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो गया, या इसी तरीके से 4 बना लीजिए। अच्छा, अब ये जो है पावर, मैंने आपको बताया था ये इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो क्या होता है, 1/4 हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका, 4। सॉल्व हो गया आपका, सेकंड पार्ट भी आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। तो यानी एक्सपोनेंट फॉर्म है, या तो आप इसे 4 कर दोगे या क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1, दोनों ही सेम है, एक ही बात है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 रेडिकल या स्क्वायर रूट -k/5। अब स्टूडेंट देखिए, जब कुछ नहीं होता तो हम 2 मान के चलते हैं अपने आप ही। अब हमें कुछ दिया हुआ था इस स्क्वायर रूट के ऊपर 4, तो वो डाउन हो गया था। इसी तरीके से हम यहां पर 3 गिवन है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आ जाएगा, 1/3 में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाना है, ये 1/3। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 बन जाएगा, -5/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 क्या हो गया हमारा बेस, और एक्सपोनेंट क्या हो गया, -k/5/3। ठीक है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, एक्सप्रेस एज द रेडिकल। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रेडिकल का क्या मतलब होता है, अभी देखिए, अभी मैंने यहां से इस तरीके से चेंज करे थे, इसे वापस इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इधर से वापस इस तरफ चेंज कर देना। शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेडिकल में चेंज करना है 7/1/5। अभी मैंने आपको बताया था, जब इधर कुछ नहीं होता, सॉरी स्क्वायर रूट के ऊपर अगर 4 या कुछ नहीं होता तो 2 होता है, और इसे 1/ में नीचे में ले जाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर ये 1/ में इसे चेंज करोगे तो ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7 √5। समझ आ गया ना, हो गया जी चेंज, हो गया रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड, ये पार्ट नंबर 1 था। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 8/15, और पावर क्या दी हुई है, 3/5। अब देखिए क्या कर लेंगे हम इसे, 8/15 तो रहेगा, यहां से देखिए हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, 3 × 1/5 / 3 बन जाए 3 हो जाएगा,
5 हो गया, अब 5 जो है ये यहां से चेंज होके आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट पे, तो क्या बन जाएगा 8/15 स्क्वायर रूट, ये तो रहेगा आपका 3 और यहां क्या बन जाएगा 5 हो गया चेंज, ये भी एक्सपोनेंट किसमें रेडिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड भी आपका कंप्लीट। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वरना इसे मैं रफ कर दे देता हूं, ठीक है ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट अब हम चलते हैं आगे, अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 100 की पावर -k 3/2, और करना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू हमें इसकी निकालनी है 100 की पावर -k 3/2, ठीक है 100 की पावर -k 3/2 करोगे आप तो क्या हो जाना है, आप यहां पे सबसे पहले 100 को क्या नोट कर सकते हैं, ये देखिए 100 को क्या नोट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर नोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, इनटू माइनस के, अभी इसकी पावर देख लीजिए या एक्सपोनेंट 2 से 2 कैंसिल, अब क्या रह गया ये, अब हो गया ये 10 की पावर -k 3, क्या बचा हमारे पास में 10 की पावर -k 3। अब जब पावर माइनस में होती है तो मैंने आपको बताया था इसे क्या नोट कर देते हैं 1/ माइनस होगी तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे 1/ में चली जाएगी, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा स्टेप पे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर आपको 3, 10 की पावर 3 क्या होता है 1000, कैसे हो जाएगा 10 की पावर 3 = 10 × 10 × 10 = 1000, तो कितना आ गया 1/1000। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिखाना है, 1/16 की पावर -k 1/2, अब देखिए 1/16 को क्या नोट कर सकते हैं 1, ऐसे ही रहने दो, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 1/16 को हम नोट कर सकते हैं कि जो 16 है उसे क्या नोट कर सकते हैं 2 की पावर 4, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4, अच्छा ठीक है। अब हमें क्या करना है -k 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो गया -k 1/2, अब आपको बताया था अगर पावर यानी एक्सपोनेंट जो होता है वो माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो 1/ में चला जाएगा या 1/ से क्या हो जाएगा यानी न्यूमिनेटर का डोमिनेटर बन जाता है, डोमिनेटर का क्या बन जाता है न्यूमिनेटर बन जाता है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में अब हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, ये था हमारा -k 2, अब हम अगर हम इसे करते हैं इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया स्टूडेंट 2 की पावर 2, ये से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 = 2 क्या होता है 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी क्यों 2 × 2 = 4, समझ आ गया। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, अब हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 3/2, बेस आपके पास सेम है, हमने पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर 1/2 + 3/2, एलसीएम ले लीजिए इतने का सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, बेस हमारा 3 आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या हो गया स्टूडेंट 2/4 डिवाइड कर दीजिए 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लो जी ये भी हो गया आपका 4 का फर्स्ट पार्ट भी जो है आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड पार्ट में हमारे लिए गिवन है 64 1/3, बेस क्या है 64 की पावर 2/3, और फिर से 64 की पावर -k 4/3। तो स्टूडेंट हम 64 को क्या नोट कर सकते हैं, 64 को हम नोट कर सकते हैं देखिए क्या 4 × 4 × 4 4 × 4 = 16 16 × 4 = 64, यानी कि 4 का क्यूब क्या नोट कर सकते हैं 4 का क्यूब, 64 को हम निकाल नोट कर दिया 4 का क्यूब, अब पावर क्या है हमारी 1/3 तो 1/3 आ जाएगा ठीक है जी, इंटू अब फिर से 64 को क्या नोट कर दूं 4 की पावर 3 × 2/3 × 2/3 हो गया, अच्छा फिर से 64 को
4 की पावर 3 इंटू माइनस के 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 की पावर 1, बिल्कुल ठीक है जी, 4 की पावर 2 और फिर से 4 की पावर माइनस के 4। अब आपको क्या करना है, देखो सारे ये बेस तो सेम है 4 है, तो 4 ये बेस एक बार ही लिख लीजिए और पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, तो देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 3 माइनस 4, अब 3 में से माइनस 4 होगा तो क्या जाएगा 4 की पावर माइनस 1 और 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, सिंपल है। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज जो इससे नेक्स्ट लेवल पे जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके वीडियो के अपने आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे और थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द मिक्स रेडिकल। तो हमें कुछ पार्ट दिए हुए होंगे, उन्हें क्या करना होगा, हमें मिक्स रेडिकल में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट अपने क्वेश्चन का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट क्या दिया हुआ है हमें 45। तो स्टूडेंट हमेशा 45 को क्या नोट कर सकते हैं, 45 को हम नोट कर सकते हैं देखिए स्क्वायर रूट, भाई 45 को अगर हम नोट करें 5 इंटू 9, 5 9 जब 45 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 9। अब स्क्वायर रूट हमें 9, देखो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो डेसिमल में आ जाएगी, बट स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू हमें पता है 3 होती है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी 3 इंटू ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, तो स्टूडेंट आंसर क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, समझिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, हमने क्या कर दिया इसे 5 इंटू 9 पर रेडिकल यानी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में भी अगर हम इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इंडिविजुअल लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है 3 होती है, स्क्वायर रूट 5 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो डेसिमल में वैल्यू होती है, तो चेंज करके क्या आ गया 3 अंडर रूट 5। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से कर लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 300, इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं हम, इसे स्टूडेंट क्या करते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू 100, भाई 300 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 3 को ऐसे रहने दो, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 होता है, तो 10 अंडर रूट 3, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व, यानी रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द मिक्स रेडिकल, मिक्स रेडिकल में आपके दोनों पार्ट जो है वो चेंज हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू प्योर रेडिकल, अब हमें क्या करना है प्योर रेडिकल में चेंज करना है, तो प्योर रेडिकल में यानी आप समझ रहे हैं यहां से अभी जो था हमें ये हमने यहां से चेंज किए थे मिक्स रेडिकल में, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यहां से वापस इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, इस फॉर्म को बोलते हैं प्योर रेडिकल, इसे बोलते हैं मिक्स रेडिकल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 1 पे चलते हैं हम, क्या है हमारे पास में 3 स्क्वायर रूट 3 यानी 3 स्क्वायर रूट 6, हमें करना क्या है देखिए ये जो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू है इसे अंदर घुसेड़ देना है, खाली इसे अंदर पुश कर देना है, इसे अंदर लेके जाना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर 3 है ये यहां से स्क्वायर रूट से बाहर आया है, आपको पता था क्या था, अगर 9 बनता है, अगर स्क्वायर रूट में 9 होता है तो बाहर आता है तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है, अब हमारे पास में 3 बाहर है यानी 3 इंटू स्क्वायर रूट 6, अगर ये अंदर जाएगा इसे स्क्वायर रूट में चेंज करना होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9 लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 6 है, भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9, अब फिर से चेंज कर दिए स्क्वायर रूट 9 इंटू 6, क्या कर दोगे स्क्वायर रूट 9 इंटू 6, और 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 54, भाई 6 9 या 9 6 है क्या हो जाता है 54, तो ये जो हमारा प्योर रेडिकल में क्या चेंज हो गया है स्क्वायर रूट 54 या रेडिकल 54। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट में चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 10 अंडर रूट 13, अब क्या है 10 का क्या करना है आपको स्क्वायर करके अंदर पुश कर देना है, तो 10 का स्क्वायर करके आप अंदर पुश करोगे तो क्या हो जाएगा 10 को अगर हम अंदर करेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 100 लिख सकते हैं, भाई स्क्वायर रूट 100 इसका अंडर रूट करा तो 10 लिख दिया,
इसे ये लिख दिया तो भाई इसे ये भी तो लिख सकते हैं, जब इसे ये लिख सकते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इनटू हमारे पास देखो 13 पहले से इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 इनटू 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1300, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1300। समझ आ गया तो समझ लो क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सिंपलीफाई, तो हमें इन्हें सिंपलीफाई करके एक आंसर लेके आना है। तो देखिए स्टूडेंट 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 20 प्लस स्क्वायर रूट 80 और माइनस स्क्वायर रूट 125, यही है बिल्कुल यही है। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट में देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 80 को क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर मैं 80 को लिख दूं 16 × 5 16×5 यानी 16 × 5 बिल्कुल ठीक है। अब 125 को क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हम इसे क्या लिख सकते हैं 25 × 5 कर दें बिल्कुल ठीक है जी, क्या कर दें 25 × 5 हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है, यानी कि अब इन दोनों को अलग अलग लिख लो यानी √4 × √5 एक ही बात है √16 × √5 माइनस √25 × √5 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो यानी 2√5 प्लस 16 का क्या होता है 4 होता है, √5 को √5 में रहने दो 25 का होता है √5 और ये √5। अब देखिए √5 √5 √5 अब हम क्या कर सकते हैं √5 को तो ले लेते हैं कॉमन और अंदर क्या रह गया 2 + 4 − 5 तो देखिए 2 × 4 = 6 6 − 5 √5 क्या हो गया 6 − 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और √5 इज इक्वल टू √5 तो फाइनल जो हमारा आंसर बन गया है क्या है √5। समझ रहे हो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमने क्या करा 20 को नोट कर दिया हमने स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर 4 × 5 80 को कर दिया 16 × 5 और 125 को कर दिया 25 × 5 इंडिविजुअल अलग अलग हमने अंडर रूट लगा लिए क्योंकि होता है कॉमन था अब हमने अलग लगा लिया 4 का √2 √5 √5 16 का √4 √5 25 का √ क्या हो जाएगा 5 × 5 √5 √5 कॉमन ले लो भाई 2 और 4 कितने हो गए 6 6 − 5 = 1 √5 हो गया आपका। तो पार्ट नंबर 3 भी इसका हो गया, अब हम चलते हैं 4 के पार्ट नंबर 4 के लिए। तो 4 के पार्ट नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, अब हमारा नेक्स्ट इससे आगे क्वेश्चन क्या बनना है देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हमारा इसके अंदर जो लगभग आपके बेसिक 8 क्लास तक की मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, 8 क्लास तक की आप प्रॉब्लम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर, फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट 300 सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 48 फिर क्वेश्चन में क्या है प्लस के स्क्वायर रूट 75 और माइनस के स्क्वायर रूट 147। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, देखिए इसे हम नोट कर सकते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है √10 √3 थोड़ा डायरेक्ट कर दूं समझ आ जाएगा या 100 × 3 चलो थोड़ा डायरेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा √48 को क्या लिख सकते हैं हम 48 को हम लिख सकते हैं 48 को मैं लिख दूं आपको 16 × 3 ठीक है यानी कि 4 √3 हो जाएगा भाई 16 × 3 कर दोगे या करोगे 16 × 3 भाई 16 × 3 कर लोगे ठीक है हो जाएगा ये भी हो गया। अब आता है 75 75 को क्या नोट कर सकते हो 75 को हम अगर नोट कर लें आपका 75 को क्या करते हैं हम 25 × 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 25 × 3 बिल्कुल ठीक है ये भी सही रहेगा 25 × 3 ये भी हो गया। अब माइनस के 147 को भी और लो यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं 49 × 3 क्या कर दूं मैं 49 × 3 बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए स्क्वायर रूट में दोनों को आप चेंज कर लीजिए यानी 100 × √3 बिल्कुल ठीक है जी
16 इंटू स्क्वायर रूट 3, दोनों को अलग अलग लिख लिया, 25 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस के 49 इंटू स्क्वायर रूट 3, 100 का स्क्वायर रूट करा तो कितना आ गया 10, अंडर रूट 3 बन गया, माइनस के इसकी वैल्यू क्या होगी 4, अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, 5 अंडर रूट 3, और 49 का क्या होता है 7 अंडर रूट 3। अब आप देखिए सबके पीछे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 आप कॉमन ले सकते हैं। अब क्या रहेगा हमारे पास 10 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 7। अब देखिए 10 एंड 5 15 माइनस 7 एंड 4 कितने हो गए 11, दोनों को माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, आंसर क्या बन गया आपका 4 अंडर रूट 3 हो गया जी आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व। ठीक है, ये भी हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं ये 4 का नहीं स्टूडेंट सॉरी ये 3rd का हमारा सेकंड पार्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें सिंप्लीफाई दिया हुआ है, तो चलते हैं 4th के पार्ट नंबर 1 पे। 6 * अंडर रूट 3 दोनों को कर लीजिए कितना हो गया 18, बस 6 3 का क्या हो जाएगा 18, 18 को क्या कर सकते हैं 9 * 2 यानी कि अंडर रूट 9 * अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आपका ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट उसका क्या आ गया अंडर रूट 3 सॉरी 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट क्या है 30, अंडर रूट में क्या है 30 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कोई खास हम चेंज नहीं करेंगे तो अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 ही रहने दीजिए। अच्छा 8 को क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2 अंडर रूट भाई 4 इंटू 2 हो जाएगा। 30 को क्या कर सकते हैं हम 30 को कर दें हम 5 6 30, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 6 ठीक है इंटू अंडर रूट 3। ठीक है और तो कुछ चेंज नहीं करना और कोई भी चेंज नहीं करते हम, ठीक है ना। तो अब हम इसे करते हैं देखिए अब हमारे पास ये क्या हो गया अंडर रूट 5 है अंडर रूट 5 है। 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इसे नोट कर सकते हैं इनटू इसे क्या कर सकते हैं हम 6 इनटू 3 यही हो जाएगा अंडर रूट 5 इनटू अंडर रूट 6 ही रहने दो इनटू अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अंडर रूट 5 की 5 में अंडर रूट हो रही है अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है अच्छा अब हम 6 को क्या नोट कर सकते हैं 6 को भी हम नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 तो खत्म हो गया 6 को भी कर दीजिए 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 को क्या करते हैं 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 तो हमारे पास है और ये भी हो गया 2 इंटू अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 यानी कि 5 2 जा 10 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो स्टूडेंट आंसर क्या बन गया हमारा 60। ये पार्ट भी जो है हमारा कंप्लीट। तो यानी कि पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्टों को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्टों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या होगा इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण, हिंदी में बोलते हैं इसे परिमेयकरण। ठीक है तो परिमेयकरण में क्या करना होता है अभी देखते हैं अभी समझा देते हैं आपको। तो परिमेयकरण करने के लिए जैसे कि मैं चल रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है 7 अंडर रूट 3 इसका क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है अंडर रूट में 3 है तो ध्यान दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 7 के अंडर रूट 3 में कितना हो गया 7 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में अगर आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हो देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7 तो जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसी से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अब देखिए इसकी अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमने करना क्या है, इसके हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 की अगर अंडर रूट 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5 अंडर रूट 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट क्या हो जाएगा 49 और 49 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो क्या वापस क्या बन जाता है 7 क्या बन जाएगा 7। लो जी हो गया, दोनों सवाल आपके जो है पार्ट जो है वो आपके सॉल्व हो गए हैं, यानी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऐसे ही वैल्यू दी हुई है बट हमें क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू में दी हुई है, डेसिमल में क्या रख सकते हैं 1.414 एंड स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हैं 2.646 हम यहां पर प्लेस कर देंगे। देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन हमारा 6 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 1, तो हमें करना क्या है स्टूडेंट इसके अंदर अंडर रूट 7 की हमें वैल्यू गिवन है, अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2.646 पुट कर दीजिए 6 अपॉन कितना हो गया 2. क्या दिया हुआ है 646 माइनस 1 2.646 में से माइनस 1 हो जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 1.646 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 1.646 हो जाएगा। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3.64 डिवाइड करके आप देख लीजिएगा पॉइंट में थोड़ा बहुत जितना आगे जाएंगे तो पॉइंट में एक दो पॉइंट का फर्क आ सकता है। तो स्टूडेंट देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें देखते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 हमें किसी भी मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें क्या है सिंपली हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई या जो भी कैलकुलेशन है वो कर देंगे। तो 5 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या दी हुई है 4.414 5 माइनस 4.414 5 में 1.41 जोड़ोगे कितना 6.414 और 5 में से अगर आपने 1.414 अगर आपने माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया 3.586 डिवाइड कर दीजिए देखिए डेसिमल से डेसिमल चल गया अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.788 या 1.789। तो स्टूडेंट्स ये भी एक्सरसाइज जो है हमारी नेक्स्ट जो होगी एक्सरसाइज इसी लेवल तक के ही आपको इस क्लास के अंदर मोस्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं या 6 और 7 में बेसिक इसी टाइप के क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी वीडियो आज एक्सपोनेंट एंड पावर की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। जब तक वीडियो को देखते रहें अपना रिवीजन करते रहें और हाँ अच्छे से समझते रहें रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसका अपर वर्जन आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका ये बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगा तो 9th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट वीडियो को देखते रहें लाइक करें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।